गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो पता है अभी मैं कितने बजे इंट्रो शूट कर रही हूँ? 1 बजे मैं इंट्रो शूट कर रही हूँ। क्या करूँ, मुझे ना सारा वीडियोस अपलोड करना है। मैं बहुत आलसी टाइप्स आजकल कर रही हूँ, पर मैं वीडियोस सारे अपलोड करूँगी जितने भी मेरे फ़ोन में जो जो मैं बना के रखी हूँ, और आगे भी वीडियो सारा बनाऊँगी। ठीक है, तो ये वीडियो देखना और बताना कैसा लगा, कमेंट करना। ठीक है, अभी हम लोग ट्रेन में हैं धनबाद टू अम्बाला कैंट, और अभी हम लोग पारसनाथ पहुँचे हैं। और सब लोग झालमुड़ी खा रहा है, अभी से स्टार्ट हो गया खाना। और मौसम देखो कितना सही लग रहा है, ट्रेन से तो और मस्त व्यू आता है। अगर विंडो सीट मिल जाए तो मज़ा ही मज़ा है ना। क्या बताएं, बोल कुछ बोल। हम और यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या बोलूँ। मतलब टाइम पास करना है कैसे भी करो, नेक्स्ट डे उतरना जो है, मतलब एक दिन बैठे बैठे टाइम पास करो जैसे भी करना है। टाइम पास कर रहा है इधर, मम्मी चाय पी रही है, इधर की तो टाइम पास कर रही है। चाय चाय चाय। कल अभी तो बैठी है, कल कब पहुँचेगी, कब पहुंचेगी खिट्टू? सिर्फ रील के लिए अच्छे से बोल रही है, मतलब वीडियो से। तो तुम क्या चाहता है? एक बार ना तुम दोनों को लड़ाई मैंने खींच के तुम मैं इंतजार कर रही हूं उसके बाद। यहां पे खिट्टू मम्मी का पैर दबा रही है, क्योंकि मम्मी सुबह 6 बजे से उठ के बहुत काम किए, बहुत काम। सुबह 6 बजे से उठ के पहले तो सबका नाश्ता बनाया, बहुत मतलब 6 बजे से उठी हुई है, बहुत काम। अभी ट्रेन में आके ही रेस्ट कर रही है बैठ के। एक घंटे तक तुम पैर दबाएगी, एक घंटे तक तुम पैर दबाएगी, एक घंटे तक तुम पैर दबाएगी। हैव अ लुक टू किट्टू मैगी, घर से बना के लाई है, कितना टेस्टी लग रहा है। ये देखो पूरा जंगल ही जंगल, पूरा घना जंगल था, और लग रहा था ना जैसे कि मतलब ज़मीन ही गायब हो चुका है अंदर का। मतलब इसके अंदर अगर कोई गया तो कितना फंस जाएगा, उसको बाहर निकलने का तक कोई जगह नहीं मिलेगा, यही सब सोच रहे थे हम लोग ट्रेन में बैठ के। ओके, तो आगे देखना, आगे मैं दिखाऊंगी किस तरह से इस जंगल, मतलब जंगल के पास बैठने के लिए बना हुआ है ये पूरा सुनसान है जंगल, और ये यहाँ पे ऐसा बैठने के लिए बना है। यहाँ बैठने कौन आएगा भाई, किसको इतना हिम्मत है? ठीक है, जिसको आना है आओ, मुझे क्या। अब मैं ऊपर आ गई हूँ, मतलब ऊपर वाले बर्थ पे आ गई, क्योंकि नीचे बैठे बैठे मैं बोर हो चुकी थी बहुत, इसीलिए। और उसके बाद चलो एक चीज़ दिखाती हूँ, ये जो अंकल खड़े हैं ना जो बैग लेके खड़े हैं, ये ना लेडीज़ के सीट पे बीच में आके बैठ गए थे, पता है, बिना बोले बिना परमिशन लिए बीच में आके अजीब सा उनके सीट के बीचों बीच बैठ गए थे, और बोलने पे बहुत अजीब सा रिप्लाई कर रहे थे, बहुत भीक टाइप। और जो पुलिस अंकल है ना वो भी उसी से हंस हंस के बात करते, ये इनके सीट पे यहाँ पे बैठ गए थे, जहाँ हाथ रखे ना वहाँ पे आके बैठ गए थे। इतना मुझे इस पर गुस्सा आ रहा था ना, मन कर रहा था दो थप्पड़ थप्पड़। और ये लेडी जो है इसका रिजर्वेशन नहीं किया हुआ था, और पूरा ट्रेन में सिर्फ सबसे लड़े जा रही थी सीट के लिए, यहाँ बैठने दे दो, थोड़ा सा जगह यहाँ पे दे दो, बैठने दे दो, क्या हो जाएगा। और रिक्वेस्ट नहीं, लड़ लड़ के, जैसे देख ही सकते हो कैसे लड़ रही है सबसे, वैसे लड़ लड़ के सबसे सीट ले रही थी। ये है वाराणसी, बहुत सुंदर लग रहा था, कैमरे में तो अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ, पर बहुत 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 सुंदर था। सुबह हो गया है, और अभी किट्टू हो गए, बाबू और मम्मी आंटी सब लोग सो रहे हैं, मैं उठ गई क्योंकि ट्रेन में मुझे नींद ही नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता कैसे नींद आएगा यार, इतना स्पीड ऊपर से ट्रेन ये चलती है ना, बहुत स्पीड की ट्रेन चलती है। देखो सुबह उठ के कैसा फेस लग रहा है, अजीब सा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ट्रैवलिंग में कैसा कैसा मुंह बन जाता है। और फिर ये स्टेशन पता है कौन सा स्टेशन है? एक्चुअली आप लोग इतना एक्साइटेड नहीं होंगे जितना मैं एक्साइटेड हो गई थी ये मतलब स्टेशन देख के। बरेली स्टेशन है, और मुझे ये मूवी देख मतलब सॉरी मूवी नहीं, ये स्टेशन देख के बार बार बरेली की बर्फ़ी का याद आ रहा था, बार बार बरेली की बर्फ़ी।
बरी वाले झुमके पे जिया ललचाए। मैं गाऊंगी तो और गेस व्हाट, हम लोग को ट्रेन में बिरयानी मिला था, वेज बिरयानी है ये, ट्रेन का वेज बिरयानी। लेट्स सी हाउ इज़ दिस। तो देखो कुछ इस तरह का है, देख के तो पता चल ही रहा है कि ये बिरयानी तो है नहीं, वेज पुलाव बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और टेस्ट में अच्छा ही था, 40 रुपीज़ के हिसाब से ठीक ही लगा मुझे। हम लोग आ चुके हैं, मतलब हम लोग ट्रेन से उतर चुके हैं, अभी हम लोग अम्बाला कैंट पे हैं और अब चलेंगे घर की तरफ, मतलब अब चलो साथ में चलते हैं घर। हम लोग घर आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो गया, बहुत ज़्यादा थकान यार। 24 आवर्स का ट्रैवलिंग इजी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखो हम लोग 3 बजे वहाँ से घर से निकले थे और 3 बजे यहाँ घर पहुँचे, मतलब पूरा का पूरा 24 आवर्स। इतना ज़्यादा थकान हो गया था ना, मुझे तो चक्कर आ रहे थे, असली में सच में चक्कर आ रहे थे, मेरा तबीयत ही ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा। गुड मॉर्निंग, तो मैं दूसरे दिन से फिर से वीडियो बना रही हूँ, सुबह हो गया है, मैं पहला दिन नहीं बनाई क्योंकि बहुत थक गए थे हम लोग, तो मैं दूसरा दिन से वीडियो शूट कर रही हूँ। यहाँ पे सब अभी बैठे हुए हैं, फ़ोन चला रहे हैं भैया, टीवी देख रहे हैं, बाबा किट्टू सेब काट के दे रही है बाबा को खाने के लिए, और ब्रेकफास्ट अभी बन रहा है, ठीक है। और चलो सब दिखाती हूँ कैसे कैसे क्या क्या है यहाँ पे। ये है पूजा रूम यहाँ का छोटा सा, ये आंटी यहाँ पे पूजा कर रही है। और मैं यहाँ पे ब्रश कर रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट हो गए हैं रेडी और सब लोग ब्रेकफास्ट अभी कर रहे हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट अपना कर लेती हूँ। रोटी, आलू का भुजिया, भिंडी का भुजिया। भिंडी का भुजिया किस किस को पसंद है? मुझे बहुत पसंद है भिंडी का भुजिया सही में। और चलो छत पे जाके मैं दिखाती हूँ अगल बगल का हालचाल कैसा है, मतलब कैसा है यहाँ का सोसाइटी। सोसाइटी तो बहुत अच्छा है, ठीक है, पर यहाँ पे कोई घर से बाहर जल्दी नहीं निकलता, मतलब बिना काम के कोई बाहर नहीं निकलता, मतलब बाहर आके बैठना, बातचीत करना, ये तो यहाँ पे दिखता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और शाम को छत पे भी कोई नहीं आता, सच में बहुत कम, बहुत रेयर कोई दिख जाए छत पे तो दिख जाए, वरना कोई नहीं दिखेगा कभी भी। घर भी है बना हुआ, किचन जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर भी। मजा पड़ा ये लो, नहीं, इधर देखो, इधर एक बाथरूम, यहाँ पे प्लेन, पता है प्लेन क्रॉस होता है ना एकदम छत के ऊपर से, तो लगता है ऐसे कि मतलब एकदम छत पे वो, मतलब एकदम जस्ट सामने से क्रॉस किया ऐसा फील होता है, पता है बहुत बहुत क्लोज, और बहुत आवाज़ आता है बहुत।
ज़्यादा कनेक्टेड है, मतलब इतना पास पास है। देखो एक यहाँ से ऐसे जंप मारो, फिर इनका कहीं सीढ़ी वीढ़ी होगा, हो जाना हो, फिर वो दूसरा घर देखो, तीसरा घर देखो, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक पर से छत पे फाए कूदो, दूसरे छत पे कूद के जाओ, तीसरे छत पे कूद के जाओ, ऐसे है। मतलब मेरी मम्मी का गांव था, वहाँ पे ऐसा ही घर था, तो वहाँ बचपन में सब करने में मज़ा आता था। अभी क्या ही बोल सकते हैं, अंकल से बोलूँगी वो देखना चाहते हैं कि यहाँ का मोमोज कैसे रहता है। यहाँ पे गोलगप्पे का खासियत ये है कि यहाँ पे आलू पे कोई ध्यान नहीं देता, मतलब आलू नॉर्मल प्लेन भी रहे, उसमें कुछ हो या ना हो, या बिना आलू के भी आपको पानी पूरी खा देता है। आलू का पानी बहुत टेस्टी रहता है सच में, दो तीन फ्लेवर का पानी रहता है और काफ़ी टेस्टी रहता है, मतलब कमी पूरा कर देता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था और अभी भी क्रेविंग होता है मुझे कि मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ के गोलगप्पे ट्राई करूँ, तक ट्राई कर। बट हमारे साइड का भी बहुत अच्छा गोलगप्पा है, ठीक है, मतलब दोनों अपने अपने जगह पे बेस्ट है। मीठा और खट्टा दोनों दे दीजिएगा, मेरे में तीखा। आपको तीखा हमको खट्टा वाला ही वाला दीजिए। और ये है चाट, चाट बोले तो यहाँ पे दही डाल के पूरा वो छोला वोला डालकर हम लोग की तरह नहीं चाट मिलता, यहाँ पे ऐसे ही चाट मिलता है। तो अगर चाट खाने का मन है तो ये खा लो। अब हम लोग पार्क जा रहे हैं, अभी पार्क है सामने में, वहाँ पे बस थोड़ा सा वॉक करने के लिए नॉर्मल पार्क है। पता है यहाँ पे पार्क में चार्जिंग नहीं लेता है, जैसे हम लोग का इधर है कि छोटा सा भी कुछ भी पार्क बना दिया उसमें 10 रुपीज़ 15 रुपीज़ पर हेड लेता है, पर यहाँ पे फ्री है, ऑल डे फ्री, जब मर्जी आओ वॉक करो, एक्सरसाइज करो और वापस घर चले जाओ। कितना सही है ना, हम लोग की तरफ भी ऐसे ही होना चाहिए, पर यहाँ पे छोटा सा फीस बनाता नहीं है कि उसका 10 रुपये 20 रुपये 15 रुपये चार्ज लगा लेता है। ये है पार्क, यहाँ पे लोग नॉर्मली वॉक करने आए हुए हैं, ठीक है, नॉर्मल क्लोथ्स में सिर्फ वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और कुछ लोग घूमने भी आए हैं। तो उनका पार्क बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है, पर अभी अंधेरा है, रात के टाइम में है तो उतना क्लियर पता नहीं चलेगा, पर बहुत अच्छा पार्क है। पार्क का नाम क्या है मुझे नहीं पता, कैसे कब सच में नहीं पता। यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा वाटरफॉल भी है, वाटरफॉल भी है क्या बोलते हैं उसको, वाटर फाउंटेन भी है। और यहाँ पे ना हर जगह म्यूज़िक बजते रहता है, मतलब वो ओल्ड म्यूज़िक 90s का 80s का, बहुत अच्छा वाइब आता है पार्क में। और ये देखो यहाँ क्यूट सा बच्चा खेल रहा है, इसका मैं वीडियो बना रही तो इसके पापा देख रहे हैं मुझे, पर ये बहुत क्यूट था। और ये है यहाँ का भेलपूरी जो कि कॉर्नफ्लेक्स से बना हुआ है, हम लोग का बनता है वो मुढ़ी से बनता है ना, और ये कॉर्नफ्लेक्स से बना हुआ है, टेस्ट अच्छा नहीं था। मैं दही कबाब लेती हूं। और हम लोग अब आ गए हैं मोमोज खाने के लिए। पता है ये सब जो यहाँ पे लगा है ना, मैं सोची कि सब मिलेगा, पर हम लोग लेट से आए ना तो सब चीज़ ख़त्म हो गया था, तो सिर्फ मोमोज मिला, और मोमोज में पता है सॉस दिया हुआ था, रेड चटनी भी था पर सॉस भी था, सॉस कौन खाता है मोमोज के साथ, बहुत ना गीला गीला टाइप्स का मोमोज था पर अच्छा ही था। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट अच्छा लगा आपको, ठीक है।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।